नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आपके सामने किसी राष्ट्राध्यक्ष का नाम लिए बगैर कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा सनकी आदमी कौन है, तो आप बिना लाग लपेट के तुरंत इसके उत्तर में कहेंगे कि उत्तर कोरिया का जल्लाद तानाशाह। और अगर हम ये कहें कि उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि उसका नाम है किम जोंग उन। जी हाँ, वही सनकी तानाशाह जिसको मनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो बार मुलाकात कर चुके हैं और मना भी चुके हैं कि भाई खतरनाक हथियार मत बनाओ, इससे किसी का भला नहीं होगा। लेकिन उत्तरी कोरिया का शासक ऐसा पागल और सनकी है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने गुरुवार को पनडुब्बी से एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और इसको लेकर एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। परीक्षण करने के बाद बयान में कहा गया है कि इस मिसाइल परीक्षण को उत्तर कोरिया ने बाहरी खतरों और अपनी सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को पिछले 3 साल में पहली बार पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था। ये परीक्षण इस हफ्ते के अंत में अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत फिर से शुरू करने से पहले किया गया है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो सनकी शासक ने अमेरिका को आईना दिखाया है और साफ तौर से कहा है कि अगर ये बातचीत फिर से विफल रही तो क्या हो सकता है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पूर्वी तट के जल क्षेत्र में पुक गुक सोंग 3 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा और उत्तर कोरिया के लिए बाहरी खतरों को रोकने में बदलाव का एक नया दौर शुरू हुआ है और साथ ही आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत किया है। इसके साथ ही साथ एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसकी सुरक्षा को किन बाहरी ताकतों से खतरा है, लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा अमेरिका की ही तरफ था। रक्षा मामलों के जानकारों और विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो उत्तर कोरिया ने पहले कहा था कि अमेरिकी सेना के खतरों से निपटने के लिए उसे परमाणु अस्त्रों से लैस मिसाइल विकसित करने पर मजबूर होना पड़ा है। किम जोंग और अमेरिकी अधिकारी उत्तर कोरिया के परमाणु संकट को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा के लिए कूटनीतिक संबंधों की फिर से शुरुआत करने को लेकर शनिवार को मुलाकात करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन सनकी शासक इससे समझने की कोशिश नहीं कर रहा।